कहानियां किंवदंतियां अपने कुछ ऐसी है कि पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, सिंहल आइलैंड की राजकुमारी थी, यहां की प्रिंसेस थी। कहा गया कि साहब सिंहल द्वीप कहां पे, तो कहा आज का जो श्रीलंका है, वहां की राजकुमारी थी। और यहां के कोई राजा थे गंधर्व सेन, और कोई रानी थी चंपावती, ये उनकी पुत्री थी गंधर्व सेन और चंपावती की। फिर ऐसी कहानियां है कि यहां पे राजा रतन सिंह के पास में एक तोता आया, यार तोते के नाम तक वो अपने वाले और बता देते हैं कि हीरामन तोता था। उस तोते ने आके रतन सिंह जी को बताया कि रतन सिंह जी यहां से सात समंदर पार एक इतनी सुंदर राजकुमारी रहती है, और रतन सिंह जी उसके पीछे पीछे और चले गए और कहते कई सालों तक वहां पे भटकते रहे। सिंहल द्वीप के राजा के उस घर में उसको घुसने का मौका नहीं मिला। फाइनली जो पैसे वैसे खत्म हो गए तो वहां जोगी वोगी का भेष और बना लिया। एक दिन राजा ने उनको देख लिया, गंधर्व सेन जो राजा था उसने ही देखा। उसने कहा कि यार जेंटलमैन तुम शक्ल से यार सन्यासी लगते तो नहीं, इस उम्र में जोग धारण करने का क्या कारण रहा। उसने कहा सर आपने एकदम सटीक पहचाना, मैं तो ऐसे ऐसे करके मेवाड़ का राजकुमार हूँ, मेवाड़ को कौन नहीं जाने, मेवाड़ की ख्याति थी। और सिंहल द्वीप के राजा ने भी कहा क्या बात करते हो आप, मेवाड़ के राजा हो फिर ऐसे क्यों भटक रहे हो, क्या कारण है इसका मुझे बताओ। और उसने मुस्कुरा कहा साहब कारण तो आपके महलों के अंदर ही मौजूद है, क्या बात करते हो। और उसने पूरी बात बताई साहब ऐसे ऐसे मैं तो पद्मिनी से शादी करने के लिए आया था, श्रीलंका के राजा की क्या औकात कि मेवाड़ के राजकुमार को मना करे। हमारे भारत का नक्शा जब लेके आते हैं, भारत का जब मैप लेके आते हैं तो श्रीलंका का मैप फ्री के अंदर आ जाता है। उसने कहा साहब धन घड़ी धन भाग, आप मेरे राजकुमारी से शादी करना चाहते हो। और उसने कहते पद्मिनी से शादी कर दी। रतन सिंह जी यहाँ आ गए, हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे, यहाँ पे पद्मिनी के साथ रह रहे थे। फिर आगे कहानी और, रतन सिंह जी के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति रहता था, राघव चेतन नाम था उसका। राघव चेतन नाम करके कोई विद्वान व्यक्ति थे, पंडित जी थे, पढ़े लिखे थे। और राघव चेतन ने एक दिन ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी को देख लिया, और पद्मिनी को देखते वो मूर्छित होकर गिर गया। रतन सिंह को जब ये बात पता चली तो रतन सिंह ने कहा है हार ऐसे कैसे, किसी दूसरे की वाइफ पे, किसी दूसरे की रानी पे तुम ऐसी बुरी नीयत कैसे रख सकते हो। और राघव चेतन ने कहा कि अब हो गया सर, वो तो जो हो ही गया। रतन सिंह का नहीं, आज के बाद तो दिखना नहीं चाहिए, दिख गया तो देख लेना। राघव चेतन को बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया। अब आपकी कोई बेइज्जती करके निकाल दी तो आप क्या करो, तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है, तो मेवाड़ वालों का दुश्मन कौन, खिलजी, क्योंकि उससे गुजरात जाते समय टैक्स वगैरह लिए हुए थे। राघव चेतन गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी को जाके उसने बताया, और उसने पूरी बात बताई साहब ऐसे ऐसे पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया, पद्मिनी पानी पीती है तो यहाँ से दिखता है, उसके कंठों से दिखाई देता है। और कहता अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात पता चली तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। ऐसी कई कहानियां क्यों दंतियां आपने चलती है। आगे की कहानी ये कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आया, अलाउद्दीन खिलजी ने आगे यहाँ पे घेरा डाला और आगे रतन सिंह को कहा कि मुझे तुम्हारी रानी पद्मिनी चाहिए। रतन का यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई वस्तु थोड़ी है कि एक तू रख ले और एक मैं रख लूं, या मेरे वाली तेरे को दे दी जाए, ये मेरी रानी है तू ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो अलाउद्दीन ने कहा मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। वापस उसी पॉइंट पे ही मैंने बताया कि चित्तौड़ का किला बहुत मजबूत था, जल्दी से अंदर नहीं घुस सकते थे, और कहते राजा ने अपना किला बंद करवा के राजा अंदर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार अंदर घुस ही नहीं पाएंगे, तो फिर उसने एक जाल फेंका और उसने कहा कि चलो मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ, जो हो गई वो तो बात हो गई और अपने आप नई लड़ाई करेंगे। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को संधि के लिए बुलाया गया, खाने के लिए बुलाया गया। वहां अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ था और उसके सामने एक शीशा लगा हुआ था, नीचे एक पौंड बना हुआ था, तालाब बना हुआ था। पद्मिनी उस शीशे के जैसे आगे आई, उसकी जो प्रति छाया थी, उसकी जो छाया दिखाई देती है, प्रतिकृति दिखाई देती है, वो तालाब के अंदर दिखाई देती है। और अलाउद्दीन खिलजी उसको देख के यूं बड़ा मोहित होता है। कहते हैं जब वापस अलाउद्दीन खिलजी जा रहा था तो रतन सिंह उसको सी ऑफ करने के लिए नीचे तक गया, उसको लगाया अब तो संधि हो ही गई। और नीचे जाते अलाउद्दीन खिलजी बड़ा घाघ आदमी था, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी, और उसने रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसने कहा कि जब तक मेरे पास पद्मिनी नहीं आएगी तब तक रतन सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा। पद्मिनी के लेंगे, पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान महिला थी। और ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी के एक भैया थे और उन भैया का नाम था गोरा, एक पद्मिनी का भतीजा था और उस भतीजे का नाम था बादल, दोनों आपस में भी काका भतीजा थे।
पद्मिनी ने इनको बुलाया, इनको बुला के समझाई कि ये बात है, क्या किया जाना चाहिए। इन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करके कहा कि ठीक है। अलाउद्दीन के पास मैसेज करवाया, अलाउद्दीन के पास मैसेज करके कहा कि पद्मिनी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है, पर पद्मिनी अकेली नहीं आएगी, उसके साथ में उसकी दासियां भी आएगी। उसने कहा कोई नहीं, ठीक है आप तो भेज दो, दासियों को भी भेज दो। तो कहते हैं कि पद्मिनी जब जा रही थी तो रानी हमेशा पालकी के अंदर बैठ के जाती, चार जने उठाते, वो कहार उठाने वाले होते, तो वो आगे की पालकी में तो पद्मिनी को बिठाया, पीछे की पालकी में जिनमें महिलाओं को बिठाना था उनके अंदर सारे के सारे शस्त्रधारी योद्धा बिठा दिए, सोल्जर्स बिठा दिए। वहां गए और नजदीक जाके वापस का कि पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह से मिलना चाहती। अलाउद्दीन कह रहे मिला दो यार, कैंप पड़ा कहीं पे साइड में, मिला दिया जाए इसको। और कहते हैं कि पद्मिनी वहां जब रतन सिंह के पास पहुंचे तो पद्मिनी जितनी सुंदर थे, जितनी बुद्धिमान थे, उतनी वीर महिला और थी, और उसने आसपास जो 5-7 बॉडीगार्ड खड़े थे उनको मार दिया और रतन सिंह को लेकर वहां से भाग दी। जब तक अलाउद्दीन खिलजी को नहीं समझ में आता कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, वो लड़ने के लिए तैयार होते, इधर गोरा और बादल अपनी सेना लेके तैयार खड़े थे। कहते हैं गोरा और बादल उनके साथ लड़ाई करते हैं, गोरा तो उस लड़ाई में काम आ जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है, बादल सेना को लेके वापस आ जाता है, किले के अंदर घुस जाते हैं। अब अलाउद्दीन को बड़ा गुस्सा है, अलाउद्दीन ने कहा हा हा ठीक किया आपने तो रतन सिंह को लेके और चले गए, पर आपने कहा अब तो मैं तुम्हें मार के जाऊंगा यहाँ से। और उसने कहते 8 महीने का घेरा डाल दिया था चित्तौड़ किले के बाहर। अब जब इतना लंबा घेरा चला तो किले के अंदर का अनाज और पानी समाप्त होने लग गया था, जो स्टोरेज थे वो खत्म होने लग गए थे। अपने यहाँ पे राजपूत राजाओं में एक और बड़ा जोरदार सी विशेषता हुआ करती थी कि जब भी किले का स्टोरेज खत्म हो जाए, जब भी फोर्ट का अन्न पानी समाप्त हो जाए, तो एक टर्म होती है साका। उस समय जो युद्ध किए जाते थे उन युद्धों को बोलते थे साका। अब कहा गया कि भाई अब दो चीजें देखो, पहली बात तो ये कि ऐसा कब किया जाता, ये किले के अंदर बंद करने वाली व्यवस्था कब आती, जब ये लगता है कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, अपनी सेना कमजोर है, सीधी सीधी लड़ाई के अंदर डायरेक्ट यदि फाइट करेंगे तो उसके अंदर जीत नहीं पाएंगे। तो होता यह था कि दिल्ली वालों की फौज आ जाती थी 30,000 की, और इधर किले के अंदर कितने फौजी है, इधर फौजी बैठे 3,000-5,000 ऐसे फौजी बैठे, लगता है यार नहीं पार पड़ेगी, किले के गेट करो बंद, कितने दिन तक बाहर बैठे रहेंगे जाना ही पड़ेगा। और ज्यादातर मामलों में होता था कि बाहर वाला बाहर से चला ही जाता, तो दिल्ली छोड़ के चित्तौड़ में रहना कई दिनों तक संभव नहीं हो पाएगा, आप अपनी कैपिटल को छोड़ के ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। पर कई बार ऐसा होता कि अगला रह जाता, अगले की पार पड़ जाती, अलाउद्दीन खिलजी 8 महीने रह गया। अब क्या किया जाए, तो अब का किले का तो पानी भी खत्म हो गया, किले का तो अनाज भी खत्म हो गया, भूखे मरेंगे, तो भूखे मरेंगे इससे अच्छा लड़के ही मर ले। तो लड़के मरेंगे तो अपने तो 3,000 है, सामने वाले 30,000 बैठे हैं, तो अपने तो मर जाएंगे। का तो इसका एक तरीका किया जाए, अब अपने तो मरेंगे, परिवार की रक्षा के लिए क्या किया जाए, महिलाओं की रक्षा के लिए क्या किया जाए। तो जो महिलाएं हुआ करती थी वो खुद ही कहती तुम हमारी चिंता मत करो, हम जौहर कर लेंगे। एक टाइम है वापस सुनना, जौहर क्या होगा साहब, जौहर के अंदर तो महिलाएं जितनी भी हुआ करती थी वो अग्नि जलाती और अग्नि के अंदर महिलाएं बैठ जाया करती थी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया करती थी, ताकि वो जो सोल्जर है उनको परिवार की कोई चिंता नहीं रहे। अब वो लड़े मरे, और अब वो जो सोल्जर होते थे जब परिवार समाप्ति हो गया तो बंदे में और गुस्सा होता था, वैसे ही दुश्मन के खिलाफ लड़ने का गुस्सा हुआ करता था, अब वो केसरिये कपड़े पहनते और केसरिये कपड़े पहन के बाहर लड़ने के लिए जाते। अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक संख्या में दुश्मन को मारना था, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा हो सके उतने दुश्मन को मारना था, और मुंडवे टूट के पड़ता और वहां पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाया करते थे। क्योंकि केसरिये कपड़े पहन के जाते थे इसलिए हमको बोलते थे केसरिया। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया जौहर और एक हो गया केसरिया, और इन दोनों की जो कंबाइंड फॉर्म होती थी उस कंबाइंड फॉर्म को बोलते थे साका। तो याद रखना, कभी कोई पूछ ले कि साके में दो चीजें क्या क्या होती है, तो एक तो होता है जौहर, एक होता है केसरिया। अब अगला सवाल पूछेगा जौहर कौन करता है, केसरिया कौन करता है, तो जौहर किया जाता है महिलाओं के द्वारा फीमेल, और केसरिया किया जाता है पुरुषों के द्वारा, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जौहर किसने किया होगा, तो महिला कौन, तो रानी पद्मिनी। तो कहते रानी पद्मिनी ने अपनी 1600 अन्य रानियों के साथ, 1600 अन्य महिलाओं के साथ में जौहर किया था। केसरिया किसने किया, तो केसरिया करने वाले रतन सिंह, राजा रतन सिंह और उनके सेनापति, क्योंकि गोरान तो पहले शहीद ही हो गए थे, तो ये बादल जीते लोग बचे हुए थे, इन सब ने मिलकर बाद में केसरिया कर लिया। कई कहानियों में आता है कि नहीं गोरा भी वापस आ गया था और गोरा बादल साथ में लड़ते हुए शहीद हुए थे, पर कुल मिला के सारे अलाउद्दीन खिलजी वाली उस लड़ाई के अंदर ही काम आ गए थे, उसके अंदर शहीद हो गए थे। तो ये चीज याद रखना। अब इसके लिए कहते हैं ये जो पद्मिनी और रतन सिंह वाला जो हुआ था, ये चित्तौड़ का पहला साका है, पहली बार चित्तौड़ के अंदर ये वाली जो प्रक्रिया, फायर बाथ वाली जो जौहर वाली प्रक्रिया थी, साके वाली जो प्रक्रिया थी, ये पहली बार इसी टाइम अपनाई गई थी। कब हुआ,
तो बाकायदा तारीख है 25 अगस्त 1303। ये याद रख लेना आपने कि चित्तौड़ का पहला शाका कब हुआ, तो 25 अगस्त 1303 को हुआ था। किसने किया, तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जुजा किया और किले पे कब्जा करा बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ। इसको मिला के क्या बोलते हैं, शाका बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जीत गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक बहुत ज्यादा मरे, उसने किले पे कब्जा किया और किले पे कब्जा कर उसको लगा अब तो मैं पद्मिनी को उठाई ले जाऊंगा, लेकिन अंदर आगे देखा कि महिलाएं तो पहले ही सब की सब अपने आप को अग्नि के अंदर झोंक चुकी थी, किले में केवल राख थी, किले में कुछ ही नहीं मिला और बौखलाया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। और उसने कहा कि जितने निर्दोष लोग बैठे हैं भाई, लड़ाई करने कौन जाएंगे सैनिक,